सीरियल अनुपमा में शुरू होगा एक बहुत ही बड़ा कंपटीशन। जी हाँ दोस्तों, आपको देखने को मिलने वाला है कि अनुज और वनराज दोनों ही कॉम्पिटिटर बनने वाले हैं। अब भाई अनुपमा और अनुज की जिंदगी को बर्बाद करने के लिए वनराज काफी हदें पार करते नजर आएगा, यानी कि एक तरह से पूरी तरह से विलन के तौर पर नजर आने वाला है। तो दूसरी तरफ यहाँ पर जल्दी ही मुंबई से लौटते ही अनुपमा अब वनराज के तानों से परेशान होकर आधी रात को घर छोड़ेगी, और वहां पर दूसरी तरफ अनुज अब अपने होटल के इनोग्रेशन की तैयारी कर रहा है और वो काफी खुश है कि वो अनुपमा को जल्दी ही बताए और इसका इनोग्रेशन अनुपमा के हाथों से ही करवाए। और कहां उसका नाम भी सजेस्ट कर देते हैं कि इसका नाम मान रखा जाए, क्योंकि वो हमेशा मान मान करते रहते हैं। तो वो ये इसी नाम है क्योंकि अनुपमा और अनुज का नाम से जोड़कर उन्होंने एक नाम बना रखा है मान, और इस होटल का नाम भी यही रखना चाहते हैं। और यही अब आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अनुपमा वनराज के तानों से परेशान होकर आधी रात को घर छोड़ेगी। और बापूजी भी फैसला कर लेते हैं कि अगर इतना ही कुछ सुनने को इसको मिल रहा है तो जब इस घर से उसका कोई रिश्ता है ही नहीं, तो इससे अच्छा है कि ये जो डिसीजन ले वही ठीक है। और आधी रात को अनुपमा घर छोड़ेगी और सामने से अनुज उसको इसी के बारे में, इनोग्रेशन के बारे में बताने आ रहा होगा। और अनुपमा की हालत देखकर वो शॉक्ड हो जाता है और उसके बाद उसे कहता है कि मैं तुम्हें घर कहीं छोड़ देता हूँ या तुम मेरे साथ चल सकती हो। लेकिन अनुपमा साफ मना कर देती है और वो अपनी माँ के घर पर जाना चाहती है, और जो कि दो गली छोड़कर ही है। और अनुपमा अपनी माँ के घर पर रहने के लिए चली जाती है और अनुज वहीं पर उसको खुशखबरी सुनाता है। और इनोग्रेशन की पार्टी में अनुपमा की फैमिली तो आएगी, यानी उसकी मॉम और उसका भाई जरूर आएगा, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर जब बापूजी और माँ को भी अनुपमा इन्वाइट करेगी और उन दोनों को भी इनोग्रेशन में आने के लिए कहेगी, तो बापूजी माँ को जरूर बनाकर लेकर आएंगे, लेकिन यहाँ पर तोशु, वनराज और काव्या नहीं पहुँचने वाले हैं। तो दूसरी तरफ यहाँ पर वनराज को मिलने वाला है उसके एक्स बॉस से ऑफर की वो भी एक बिजनेस शुरू करे, जिसमें कि उसके एक्स बॉस जिसके वो मुंबई मिलने गया था वही उसको बिजनेस पार्टनरशिप ऑफर करेंगे और वो उसके होटल में पैसे लगाना चाहते हैं जो कैफे उसने खोला है। और यही ताना अब वनराज अनुपमा को भी सुनाएगा कि अब हमारे पास में भी बिजनेस ऑफर है, ये जरूरी नहीं है कि तुम पर तो एहसान हुआ है, लेकिन हमारी सच में हमारे आइडिया की रेस्पेक्ट हुई है। और उनका आइडिया अब वो दूसरे उसके एक्स बॉस उसको यूज करके अनुपमा और अनुज के कॉम्पिटिशन में खड़ा कर देंगे। या दोस्तों, तो दूसरी तरफ यहाँ अनुज और अनुपमा अपने इनोग्रेशन करेंगे, जहाँ पर बाबू और बापूजी तो पहुंचेंगे, लेकिन दूसरी तरफ वनराज और काव्या ये तैयारी करेंगे कि कैसे भी अनुज और अनुपमा को कॉम्पीट करें। देखना काफी धमाकेदार होने वाला है कि वनराज और काव्या, तो दूसरी तरफ अनुज और अनुपमा दोनों ही होटल का काम और किस तरह से अब एक दूसरे को चैलेंज करते हैं और कैसे अब इनका कॉम्पिटिशन इस शो में एक नया तड़का लगाएगा।